तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज किसी को न्यू वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं कुछ धमाकेदार स्किन्स जो कि आने वाली है गाइस हमारे BGMI में बहुत ही जल्द। और इन वाली स्किन्स को देख के तुम कहोगे लेजेंड भाई यार इन वाली स्किन्स की क्रेट ओपनिंग हमें चाहिए तुम्हारे चैनल पे, तो मेक श्योर गाइस हम इन वाली क्रेट्स की क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, दोबारा रणवीर सिंह वाली क्रेट आने वाली है तो रेडी हो जाओ भाई, मतलब मसाला आने वाला है, पूरी लूट मचा देंगे भाई उस क्रेट में ना, पूरी मटेरियल निकाल देंगे। और जो तुम्हें पता होगा मेरी न्यू M4 निकली थी उसका यार मुझे नाम नहीं पता, शिनोबी आई थिंक उसका नाम शिनोबी था। तो हाँ उस वाली M4 को हम पूरा का पूरा मैक्स करेंगे जैसे ही वो आएगी। UC मैंने बहुत सारी बचा रखी है और भी डाल लेंगे जैसी रणवीर सिंह वाली क्रेट आएगी ना भाई, टूट पड़ना तुम भी। तो ये लीक नहीं है वैसे, अब तो ऑफिशियल हो चुका है, BGMI वालों ने भी बहुत बार पोस्ट डाल दी है इससे रिलेटेड कि हाँ भाई रणवीर सिंह की क्रेट आने वाली है। तो रेडी हो जाओ, बहुत सारे मटेरियल्स निकलने वाले हैं अपने, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ठीक है। तो बिल्कुल रेडी रहना, तुम भी रेडी रहूँगा मैं भी। और भाई देखते हैं कब आती है BGMI वाली क्रेट, वो रणवीर सिंह वाली क्रेट, उसके बाद करेंगे भाई सीधे के सीधा क्रेट ओपनिंग। बट आज की इस वाली वीडियो में बात करेंगे इन दोनों डेविल और एंजल वाले एक्सूट्स के बारे में। तो क्या गाइस तुम भी BGMI टूर्नामेंट्स खेल के 500,000 रुपए तक जीतना चाहते हो तो गाइस ये वाला पार्ट एंड तक देखना। और इस ऐप में और एप्स की तरह कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, सिंपली अपना क्लासिक रैंक मैच खेलो गाइस जैसे कि तुम रोज खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग आपके किल्स डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। और तो और गाइस सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट है। और गाइस सो स्ट्रॉन्ग का लिंक मैंने तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, वहां से जाकर डाउनलोड करो गाइस। सबसे पहले जाने वाले 1000 बंदों को मिलने वाला है 600 रुपए तक का बोनस, जिससे कि तुम फ्री टूर्नामेंट्स खेल सकते हो आराम से। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और गाइस मेन बात तो ये है कि इस ऐप में तुम जो भी पैसे जीतते हो तुम इंस्टेंटली UPI, पेटीएम और गाइस फोन पे और अदर नेट बैंकिंग सोर्सेज के थ्रू तुम यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो, तो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। पोगेम्बो खुश हुआ। तो गाइस देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से और गाइस जीतो 50,000 डेली। लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, अभी जाके डाउनलोड करो। तो अब देखो तुम्हें पता होगा ये अल्टीमेट सेट है और मुझे भी पता है अल्टीमेट सेट है, बट मैं इसे एक्सूट क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें आगे खुद ही पता लग जाएगा भाई, ये किसी एक्सूट से गाइस कम नहीं है। तुम्हें भाई पता लगेगा एक्सूट भी ऐसे नहीं होती जैसी ये आउटफिट है। तुम एक बार इसे अल्टीमेट आउटफिट को एक बार ही देखो जरा गौर से भाई, ये क्या है भाई, ये क्या बना दिया इन्होंने यहाँ पे। तुम एंट्री वाला ही मोड देखो भाई, ये क्या ही सेक्सी लगता है भाई एनिमेशन। तो मे भी ये तो बस दिखाने के लिए है, ये तो आएगा नहीं ठीक है, बट ये खतरनाक लगता है। तो ये थीम एनिमेशन सा है इसका कुछ टाइप का, भी मैं तुम्हें इसका एंट्री मोड दिखाता हूँ और भी जो चीज़ें इसमें आई हुई है वो भी दिखाता हूँ भाई। सच में ये जो लड़की वाला है ना भाई, ये पंख वाला इतना सेक्सी लगा मुझे कसम से। और तुम इमेजिन करो एक बार ये गेम में होगा तो ये कैसा लगेगा। और इसके साथ जो चीज़ें आ रही हैं लोबी वो भी अच्छी है, इसके साथ जो ग्लाइडर्स आ रहे हैं वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा सही है वो भी। तो पूरा ओवरऑल ये भाई ऐसा पैकेज है ना जो कि बिल्कुल बेस्ट है अभी तक ठीक है। हेड गियर के साथ देखो तुम कितना सेक्सी लग रहा है, तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं यार, इतना बढ़िया आउटफिट मैंने अभी तक BGMI में नहीं देखा। और जब ये BGMI में आएगा मुझे लगता है कि भाई ये बेस्ट अल्टीमेट सेट होने वाला है। तुम्हें ऐसा लगता है नहीं, अभी तुम इसका यहाँ पे देखो एंट्री मोड, जैसे तुम लोबी में आओगे तो ऐसी एंट्री आएगी, तो भाई एक्सूट से तो कम नहीं आए। देखो क्या मस्त एंट्री है भाई, एक बार दोबारा देखो एंट्री मोड, ये कोई तो भी फूल पकड़ती हाथ में और दोबारा से एकदम एंट्री मारती है, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ लगी। और अगर बात करें हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये स्पोन आइलैंड पे होगा शायद से कुछ इमोट वगैरह, तो मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, बट सेक्सी लग रहा है जो भी है देखने में ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इमोट देखने के लिए मिलते हैं तुम्हें, ये इमोट देखो क्या ही खतरनाक, क्या ही ऐसा। अभी मम्मी सेट आया था एक ब्लू वाला, उसमें आया था एक ऐसा इमोट, पर ये उससे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और भाई इमोट तो मतलब कुछ तो इमोट है, तुम्हें पता लग गया होगा। अब देखो बात करते हैं भाई डेविल सूट के बारे में, इसका नाम है भाई डेविल सूट, खतरनाक भाई एंजल और डेविल। तो ये डेविल सूट तो मुझे इतना कूल लगा भाई, ब्लैक कलर की आउटफिट तुम्हें पता होगा BGMI में नहीं आती, और ऐसा ब्लैक डेविल सूट भाई अगर क्या यार पहन के तुम उतरोगे ना भाई, बंदे पहले ही डर जाएंगे कि अबे ये क्या बंदा आ रहा है भाई सामने से। तो तुम देखो एक बारी ब्लैक कलर का, तो मुझे बताना तुम्हें कोई आउटफिट बढ़िया लगता है नहीं BGMI में। मुझे लगता है ब्लैक कलर का जो अभी तक बेस्ट आउटफिट आया है वो ये है, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कोई और ब्लैक आउटफिट मैंने तो नहीं देखा भाई BGMI PUBG में, तुमने देखा हो तो बताना। बाकी भाई ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा सिक। डेविल में कराया, अगर तुमने देखा होगा तो भाई डेविल में कराएगा एक बिल्कुल वो लग रहा है कैरेक्टर बिल्कुल, तुम मुझे बताना तुमने देखा है नहीं। और अभी फिलहाल डेविल में कराएगा गेम भी आ चुका है, तो अगर तुमने वो खेला है तो बताना। बाकी इसका भी एंट्री मोड एकदम सिक है, पर्पल कलर की कुछ तो भी लाइटिंग निकलती है पीछे से, ये देखो भाई
लग रहा है नहीं भाई, एक्स रूट को फेल कर रहा है नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ यहाँ पे लवर सेट अगर तुम्हारे पे पूरा होगा तो भी मज़ा आएगा, और उसके बाद एंट्री मोड ये जो स्पॉन आइलैंड में होगा ये उसका सेम सही है। तो इसका ही मोड देखते हैं अब डेविल सूट का, ये देखो एक बार भाई क्या ही सीख है यार ये, मतलब इसमें तुम्हें अगर कोई कमी लग रही है तो तुम मुझे बताओ इन दोनों चीज़ों में तुम्हें कोई कमी लगी हो। और ग्लाइडर देखो एक बार तुम भाई, ग्लाइडर तो अलग ही लेवल की चीज़ बना दी भाई, ये ग्लाइडर तो लग ही नहीं रहा, ये लग रहा है कोई भाई मौज मस्ती में उतर रही है लड़की, ऊपर से बस बैठ के चांद के ऊपर बैठ गई और बस उतर रही है, चांद से टाइप का गोला सा कुछ लग रहा है, मस्त लग रहा है देखने में। बाकी तुम मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। और भाई इसने एक्सूट को मतलब पीछे छोड़ दिया, एक्सूट में तुम्हें जो है 1,00,000 यूज़ ही खर्च करनी पड़ती है, तब तुम्हें थोड़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक लगती हैं। बट उसी के साथ अगर तुम अल्टीमेट सेट में 50,000 या 30,000-40,000 यूज़ ही खर्च कर दोगे, करना मत, अगर तुम्हारे पे हो तो ही करना, अपने मम्मी पापा की मत खर्च कर देना ठीक है। तो उसके साथ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ मिलेगी अभी के टाइम में अगर ये अल्टीमेट सेट आता है। और इसका बैकपैक मुझे थोड़ा ओके लगा, इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं बोलूँगा क्योंकि बीजेएमआई में इससे भी पहले बहुत ज़्यादा कुल गुल बैकपैक आ चुके हैं, बट हाँ आउटफिट इमोट्स और भाई लोबी इन चीज़ों का तो मुकाबला नहीं है। तुम लोबी देखो भाई क्या, उधर तुम गोले पे टच करोगे तो भाई कुछ तो भी स्पार्कल से निकलते हैं वहाँ से, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। बाकी तुम मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा ये भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा सिक लगा, बहुत ज़्यादा सिक। और जो इसमें गन आने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है एक तरीके से। और अब बात करते हैं गाइस एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है भाई बग्गी। इसकी बग्गी काफ़ी ज़्यादा कूल है और मुझे बग्गी की स्किन्स देखना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। मुझे गेम में भी बग्गी ज़्यादा चलाना पसंद है, भले मेरे पास लैम्बोर्गिनी की स्किन है बुगाटी है, बट मुझे उन्हें चलाने में मज़ा नहीं आता क्योंकि भाई बग्गी जो है कोनों वोनों में से निकल जाती है, और बग्गी में बुलेट्स मारना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो बात अलग है, अगर साला किसी ने एक टायर फोड़ दे तो पलट जाती है, घूम जाती है, स्लिप हो जाती है। बाकी मुझे बग्गी की स्किन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसी के साथ अगर तुम प्लेन की स्किन देखोगे भाई, प्लेन की स्किन भी एकदम खतरनाक है, ये डायमंड फिनिश वाली है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और जैसे ही मतलब तुम्हारा प्लेन आएगा तो भाई तबाही हो जाएगी, फिलहाल मेरा प्लेन आता है तो गाली पड़ती है, पता नहीं ऐसा चलता रहता है भाई, अगर बीजेवाई पार्टनर का टाइटल लगा के तुम्हारा प्लेन सबसे ऊपर आ गया ना तो गाली तो पड़ेगी और बंदे उठा के और भागेंगे तुम्हें अगर उन्होंने मार दिया तो। उसी के साथ यहाँ पे तुम्हें एक स्किन देखने को मिल जाती है मशेटी की, जो कि सोर्ड है, काफ़ी ज़्यादा कूल स्किन्स है भाई ये। यहाँ पे तुम्हें M249 देखने के लिए मिल जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे, मतलब बेस्ट है ये भी एक तरीके से तुम बोलो, बस इसमें किलफीड वगैरह नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किन है जिसमें कि ऑलरेडी उसमें मतलब तुम्हारे पास है M249 की स्किन में VSS भी थोड़ी, और VSS कौन चलाता है यार मुझे बताना तुम में से, अगर कुछ लोग VSS अभी भी चलाते हो तो, बाकी मैं तो नहीं चलाता VSS अभी के टाइम में। और उसी के साथ यहाँ पे तुम्हें एक और प्लेन की स्किन देखने के लिए मिलती है, और ये जो होता है छोटे वाला साइड में प्लेन आता है ये वो है विंगमैन बोलते हैं इसे ठीक है, तो विंगमैन की स्किन है ये, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है भाई विंगमैन भी, मतलब स्किन तो है भाई कुछ तगड़ी। विंगमैन की स्किन तो भाई मुझे प्लेन की स्किन से भी बहुत ज़्यादा सेक्सी लगी। बाकी तुम्हें बताना तुम्हें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, अपने ओपिनियन दो सीधा। और इसमें जो पैराशूट आया हुआ है ना ब्लैक कलर का ये वाला, मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा, मतलब इसमें भी कोई एक तरीके से तुम देखो तो भाई कमी वगैरह नहीं है इसमें भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही पैराशूट लगा मुझे, बढ़िया है। और उसके साथ तुम्हें भाई ये कुछ स्टिकर मिल जाते हैं, मेरे स्टिकर ही निकलते हैं तो मैं तो ये नहीं देखूँगा, पता नहीं भाई क्यों होता है ऐसा, तुम्हारे भाई के साथ ही होता है स्टिकर वगैरह निकलते रहते हैं। और ये आई थिंक सो ये नेम टैग कोई नहीं लगाएगा आज के टाइम में, सभी कौन कर रहे हैं भाई, सब के सब कौन कर रहे हैं, और ये टाइटल भी कोई यूज़ नहीं करेगा, सब कौन कर रहे का टाइटल या बीच में पार्टनर यूज़ करते हैं यूट्यूबर्स वगैरह लोग ठीक है। तो अब बात करते हैं मेन चीज़ गन के बारे में, जो कि है अपनी AKM। इस गन इसकी मतलब स्पिन जो आएगा, जो भी आएगा स्पिन, इस स्पिन में तुम्हें एक AKM की स्किन देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, अच्छी है। और इसमें तुम्हें दो मोड मिलते हैं, अगर तुम इसे मैक्स लेवल की कर सकते हो तुम इसके कलर भी स्विच कर सकते हो, ऐसा एक बार ही कौन सी गन में हुआ था, विक्टर में एक विक्टर आई थी ऐसी जिसमें तुम स्विच कर सकते थे, और भी कोई गन हो तो मुझे बता देना, पर मुझे विक्टर का याद है। इसमें तुम्हें ऑन हिट इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि आजकल सभी गन्स में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है ब्लू कलर का ऑन हिट इफेक्ट, बट हाँ ग्लेशियर के ऑन हिट इफेक्ट को कभी टक्कर नहीं देगा भाई, ग्लेशियर का तो बहुत तगड़ा सपोर्टर हूँ मैं, मुझे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पसंद है, और फुल M4 भी मुझे सही लगती है। तो बताना तुम्हें ये गन कैसी लगी AKM, और भाई इसका इंस्पेक्टिव मोड देख सकते हो तुम। इंस्पेक्ट इमोट वाली तो यार मेरे पे गन शायद ही कोई है अभी, मतलब नहीं है मेरे पे कोई इंस्पेक्ट इमोट वाली, वो शिनोबी वाली जो है आई थिंक उसमें इंस्पेक्ट इमोट है, तो मैं उसे मैक्स करूँ तो मुझे इंस्पेक्ट इमोट देखने के लिए मिले, मैं यूज़ करूँ BGMI में इंस्पेक्ट इमोट तुम्हें भी दिखाऊँ। बाकी तुम मुझे बताना भी है तुम्हें कैसी लगी, तगड़ी है भाई ये अली गन। और अब मैं तुम्हें सीधा इसे लैब में चल के दिखाता हूँ कि कैसी है, ये फ्रेम व्रेम है ये तो भाई थोड़े पोस्टर वोस्टर से हैं, हेलमेट वेलमेट ये तो मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिए थे। अब बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पे देखो भाई तुम मतलब ये क्या ही तगड़ी है भाई, अभी ये बेसिक है, अभी ये अपग्रेडेबल भी नहीं है, ये बेसिक है, इसका ये फर्स्ट लेवल है बेसिक बिल्कुल। उसके बाद आता है इसका इफेक्ट,
किल इफेक्ट जो कि तुम्हें पता है सभी गन में आता है, ठीक है, किल इफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, ये होता है वो जो वो धुआं सा निकलता है ना, तो इसमें से धुआं नहीं निकलता पेटी में से, ऐसा ब्लू ब्लू सा आया था, और उसके बाद ये, और अगर ग्रेनेड फोड़ोगे तुम इसको अपग्रेड करके, इसका ग्रेनेड भी निकल गया तुम्हारा, तो ग्रेनेड का इफेक्ट तुम्हें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ बात करते हैं एलिमिनेशन बोर्ड कास्ट के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा सही है, से हम किल इफेक्ट बोलते हैं साला, एलिमिनेशन बोर्ड कास्ट इतना बड़ा नाम कौन ले इसका। तो बात करते हैं किल इफेक्ट के बारे में, एडवांस फॉर्म है इसका भी, ठीक है, किल इफेक्ट दिखाओ भाई, किल इफेक्ट, किल इफेक्ट, किल इफेक्ट, किल इफेक्ट, भाई देख लिया मैंने देख लिया इसका, अब देखो किल इफेक्ट इसका कुछ ऐसा सा है, बढ़िया लग रहा है, इतना तगड़ा भी नहीं बोलूँगा बट अच्छा है, ओन एट इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा सही है। उसी के साथ एक ऑर्नामेंट लग जाता है फाइनल फॉर्म में, ऐसी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है भाई ये फाइनल फॉर्म में। तो फाइनल फॉर्म है इसका ये तुम्हारे आगे जो कि तुम देख रहे हो भाई, मतलब एक तरीके से तुम इसमें मुझे कमी बताओ क्या है, अगर तुम इसमें कोई कमी लग रही हो तो इसके फाइनल फॉर्म में तुम मुझे कमी बताओ क्या है इसके फाइनल फॉर्म में, कमी इसमें कोई कमी नहीं है। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी स्किन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सही लगती है मुझे, एक एम की गन आती है तो भाई बढ़िया लगती है, और इसका इंस्पेक्टिव मोड तुम देख सकते हो बढ़िया है भाई अभी, बट यहाँ तक जाने के लिए ना तुम्हें बहुत ज़्यादा यूसी खर्च करनी पड़ेगी। लूट करेट देख सकते हो, ये तो भाई बहुत डिसेंट है, मैं इसे अच्छा लूट करेट नहीं बोलूँगा बट सही सही है भाई, बहुत ज़्यादा डिसेंट है ना, बहुत ज़्यादा तगड़ा। और काउंटर फिनिश जो आता है ये क्या है भाई, ये क्या है काउंटर फिनिश, ये तो मैंने पहली बार देखा, क्या क्या नई नई चीज़ें डाल रहे हैं भाई बीजेएमआई वाले, मुझे नहीं समझ आ रहा है काउंटर फिनिश क्या होता है भाई, बताना जरा मुझे काउंटर फिनिश किसको बोलते हैं भाई, ये क्या चीज़ है पता नहीं भाई क्या डाल दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा हो तो बताना ज़रूर। और अब जो है गाइस तुम इसका गोल्ड फॉर्म देख सकते हो जो कि मतलब क्या ही लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है गोल्ड फॉर्म भी। तो तुम मुझे बताना तुम्हें गोल्डन वाली पसंद आई या वाइट और ब्लू सी वाली पसंद आई, तो बताना ज़रूर। बाकी गाइस आज की इस वाली वीडियो में यही था मेरी तरफ से, मैंने तुम्हें सारी की सारी स्किन्स दिखाई जो कि न्यू अल्टीमेट आउटफिट्स आने वाली है वो दिखाई, मैंने सोचा क्यों ना आज गेम प्ले से थोड़ी हट के चीज़ों के बारे में बात करी जाए जो कि भाई न्यू आने वाली है हमारे बीजेएमआई में। तो ये तुम्हें भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मेक श्योर लाइक मारना, और अगर तुमने इस वाली वीडियो को तुम अभी तक देख रहे हो और तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी इन सारी फुटेज का क्रेडिट जाता है मेरे भाई मैड तमीज़ा को, जिसने कि ये फुटेज निकाली है भाई, वो बीटा वगैरह में मतलब होता है उसके पास, तो वो निकाल देता है बीजे भाई के ऑफिशियल से बात करके, ठीक है। तो बाकी मिलता है किसी को वीडियो में किसी को गेम प्ले के साथ, बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।